हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, बॉलीवुड का एक गाना हर किसी के जहन में होगा। जी हाँ, वो है चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। जी हाँ, ये गाना नहीं मानो कि हमारे दिल की धड़कन हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने को किस लोकेशन पर शूट किया गया था? जी हाँ, आज मैं आपको वहीं के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हिली स्टेशन दिखाने जा रहा हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ की ताजगी ही उसकी पहचान है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पर कि आपको हिंदुस्तान के लोग कम और विदेशी लोग ज्यादा दिखते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऊटी की सैर कराने ले जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर बॉलीवुड की फिल्मों का सबसे ज्यादा शूटिंग की जाती है। इस वीडियो में हम आपको ऊटी के बारे में हर एक फैक्ट्स बताएंगे। आपको ये भी जानकारी देंगे कि आखिर इस हिली स्टेशन में वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर कि आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऊटी, जिसका एक नाम ऊट कमंडलम भी है, भारत के प्रमुख दार्शनिक स्थानों में से एक है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर बसे इस शहर की सुंदरता यहाँ के सुंदर पहाड़ियों की वजह से और भी बढ़ जाती है। सर्दियों में यहाँ मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसके अलावा साल के हर महीने यहाँ का मौसम सुहाना होता है और यही मौसम पर्यटकों को यहाँ खींच ले आता है। परंतु ऊटी जाने वाले पर्यटकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सर्दियों में यहाँ का तापमान शून्य के भी नीचे होता है। ऊटी मुख्यतः घनी वनस्पति, चाय के बगीचे और नीलगिरी के पेड़ों के लिए मशहूर है। अगर यहाँ के कृषि को देखा जाए तो यहाँ के ठंडे मौसम के कारण यहाँ आलू, गोभी और गाजर जैसे सब्जियों को उगाया जाता है। परंतु हमारे पर्यावरण प्रदूषण की गाज यहाँ भी गिरी है और यहाँ के वनों को सुरक्षित करने के नजरिए से यहाँ के कुछ वनों को आरक्षित भी किया गया है। यदि टूरिस्ट यहाँ कोई कैंप भी लगाना चाहते हैं तो उन्हें विशेष अनुमति की जरूरत पड़ती है। ऊटी समुद्र तल से लगभग 7,440 फीट यानी कि 2,268 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊटी को हिल स्टेशन की रानी भी कहा जाता है। रोमांटिक होने के साथ साथ प्राचीन समुद्र तटों, हिल स्टेशनों और शानदार वन्य जीवन का सजीव प्रतीक, दक्षिण भारत यात्रा करने के लिए एक आदर्श जगह है। सभी रोमांच प्रेमियों तथा प्रकृति प्रेमियों के लिए ऊटी बेहतरीन स्थानों में से एक है। इसके चारों तरफ कई चोटियां हैं, जिनमें तमिलनाडु का सबसे ऊंचा क्षेत्र डोडा बेटा भी शामिल है। नीलगिरी पहाड़ियों के कारण इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस स्थान का नाम यहाँ की घाटियों में 12 वर्ष में एक बार फूलने वाले कुरुंजी फूलों के कारण पड़ा। ये फूल नीले रंग के होते हैं तथा जब ये फूल खिलते हैं तो घाटियों को नीले रंग में रंग देते हैं। ऊटी की स्थिति के कारण यहाँ का मौसम पूरे वर्ष खुशनुमा रहता है। हालांकि ठंड में दक्षिण भारत के अन्य भागों की तुलना में यहाँ का मौसम अधिक ठंडा होता है। औपनिवेशिक विरासत इस शहर में ब्रिटिश संस्कृति तथा वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे ही आप इस शहर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि शहर पर ब्रिटिश लोगों का प्रभाव है। कला और इमारतों की वास्तुकला, घरों के डिजाइन और निर्माण की शैली सभी कुछ ब्रिटिश काल से मिलता जुलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन पर ब्रिटिश परंपराओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में गौर करने पर यह हिल स्टेशन सुंदर अंग्रेज गांव की तरह दिखता है। शायद यही कारण है कि इस शहर को अधिकतम आय पर्यटन से होती है। ब्रिटिश यहां की जलवायु तथा प्राकृतिक सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस स्थान का नाम ऊटी, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन रखा। ऊटी का इतिहास। इस शहर के इतिहास की जानकारी तोड़ा जनजाति से मिल सकती है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होने के पहले यहाँ इसी जनजाति का शासन था। यहाँ सदियों से ज्यादातर तोड़ा जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन ऊटी की वास्तविक खोज करने और उसके विकास का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। दोस्तों, 1822 में कोयम्बटूर के तत्कालीन कलेक्टर जॉन सुविलियन ने यहाँ स्टोन हाउस का निर्माण करवाया था, जो अब गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य का चैम्बर है और ऊटी की पहचान भी। ब्रिटिश राज के दौरान ऊटी मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेजों के लिए एक छिपे हुए खजाने के समान था, क्योंकि वे दक्षिण भारत के किसी भी अन्य शहर के गर्म और नम मौसम को सहन नहीं कर सकते थे। वे इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने ऊटी के निकट स्थित वेलिंगटन शहर में मद्रास रेजिमेंट की स्थापना की। उस दिन से वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंट का केंद्र बना हुआ है। इसके कारण ऊटी ब्रिटिश लोगों में ग्रीष्म सप्ताहांत स्थान के रूप में लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊटी का विकास भी किया तथा यहाँ नीलगिरी में चाय, सागौन और सिंकोना का उत्पादन प्रारंभ किया। ऊटी में तथा इसके आसपास चाय और कॉफी के अनेक बागान हैं। स्थानीय खाद्य पदार्थों पर भी अंग्रेजी डिशेज का प्रभाव दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको ऊटी में अंग्रेजी और भारतीय मसालों के सम्मिश्रण से बना सबसे उत्तम खाना खाने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े फ्रेंडली होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। सबसे अच्छी बात तो ये है कि शहर में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सुबह हुआ और कब शाम हो गई। वाकई में ये शहर किसी का भी दिल जीत लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि शहर का गहरा नाता है बॉलीवुड से। जी हाँ, यहाँ पर बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है कि फेमस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का 5-स्टार होटल भी है। जी हाँ, एक समय था जब मिथुन इसी होटल में अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग कर लिया करते थे। चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 गाने की शूटिंग भी यहीं की ट्रेन में हो रही थी। लोकेशन भी ऊटी ही था।
आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में इस ट्रेन का नाम ही दिल से ट्रेन रख दिया गया। क्या बात है दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। जी हाँ, यहाँ आपको साउथ का भी खाना खाने को मिल जाता है, तो साथ ही साथ आपको नॉर्थ इंडिया का भी खाना खाने को मिलता है। आप यहाँ पर स्पाइसी खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ का रोज शेक पीने में बहुत ही शानदार होता है। जी हाँ, कई सारे लोग अपने दिन की शुरुआत ही कूल ड्रिंक के साथ करते हैं। वाकई में ये कमाल की जगह है जहाँ पर कि आप एक से बढ़कर एक खाने का स्वाद ले सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ का मसाला टी भी बहुत कमाल की चीज है। जी हाँ, आप समझिए कि यहाँ पर अगर आप सुबह सुबह मसाला टी पीते हैं तो समझिए कि आपका दिन बन जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक फ्लेवर में मसाला टी मिलती है। दोस्तों कहा जाता है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर कि आपको अपने देश के लोग कम और विदेशी लोग कहीं ज्यादा नजर आते हैं। जी हाँ, क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ पर रूस के सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वो अपना समय यहाँ के पार्क में आराम से बैठकर बिताते हैं। कहते हैं कि शाम के समय यहाँ का मौसम रंगीन हो जाता है। जी हाँ, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको मस्त पार्टी करने का मौका मिलता है। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ फुल ऑन मस्ती करते हैं। ये बहुत ही सेफ हिल स्टेशन है और यही वजह है कि यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। बिंदास आप यहाँ पर मस्ती कर सकते हैं, यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऊटी के दार्शनिक स्थल। जी हाँ, अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊटी में वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर कि आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बोटानिकल गार्डन। 22 हेक्टेयर के एरिया में फैला ये उद्यान अपनी प्राचीन वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह को घूमने के लिए आप बारिश के अलावा अन्य कोई भी समय का चयन कर सकते हैं। इस उद्यान की रखवाली तमिलनाडु हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी द्वारा की जाती है। यहाँ घूमने आने वालों को देखने के लिए सबसे पहले यही जगह सजेस्ट की जाती है और ये है भी इतना सुंदर कि हर किसी का मन मोह लेता है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी उपयुक्त है, परंतु अगर आप इसे घूमना चाहते हैं तो खूब सारी पैदल चलने की प्रैक्टिस कर लीजिए और तैयार हो जाइए चलने के लिए। टी फैक्ट्री। दोस्तों वैसे तो यहाँ ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है, परंतु फिर भी इस जगह को घूमना आपको एक नया अनुभव देता है। यहाँ से आती चाय की खुशबू भी आपका मन मोह लेती है। यहाँ मशीनों द्वारा चाय को बनता और पैक होते देखना आपके और बच्चों के लिए एक अलग अनुभव रहेगा। यहाँ पर से आप चाय खरीद भी सकते हैं और यहाँ फ्रेश पत्तियों से बनी ग्रीन टी भी उपलब्ध होती है, जिसकी खुशबू भी मन मोहने वाली होती है। डोडा बेटा भी। इसकी ऊंचाई लगभग 8,650 फीट है और ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये ट्रैकिंग के लिए आकर्षण का केंद्र है, साथ ही यहाँ फोटो सेशन के लिए भी अच्छे पॉइंट्स हैं। जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ से घाटियों के सुंदर नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। एवलांच लेक। ऊटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर ये झील स्थित है और ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप चाहें तो यहाँ फिशिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यही पास में फिशिंग के लिए उपयोगी इक्विपमेंट भी उपलब्ध हो जाते हैं। रोज गार्डन। ये भारत का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। ये गार्डन समुद्र तट से 2200 मीटर की ऊंचाई पर एल्क पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। यहाँ आप अलग अलग प्रकार के कई तरह के गुलाबों की प्रजातियाँ देख सकते हैं। यहाँ लगभग 20,000 तरह के गुलाब मौजूद हैं। ऊटी लेक। इस झील का एरिया लगभग 65 एकड़ का है। ये एक मानव निर्मित लेक है जिसका निर्माण ब्रिटिश शासन के समय किया गया था। यहाँ दर्शनार्थियों के लिए बोट हाउस उपलब्ध है जो विजिटर्स को बोटिंग का मजा देते हैं। यहाँ मई के महीने में होने वाली बोट रेस भी प्रसिद्ध है। मुदुमलाई नेशनल पार्क। ये ऊटी से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई सारे जंगली जीवों और पक्षियों का घर भी है। कई सारे हाथी, सांभर, चीतल, हिरण, टाइगर भी यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। स्टोन हाउस। सन 1822 में बना हुआ ब्रिटिश गवर्नर जॉन सुलिवान का ये बंगला ऊटी में बना हुआ पहला बंगला है। आज के समय में ये ऊटी में स्थित गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल को निवास के रूप में दिया जाता है। ऊटी माउंटेन रेलवे। ऊटी में मौजूद ये रेलवे 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। यहाँ ट्रेन आज भी पुराने तरीके के अनुसार भाप के इंजन द्वारा ही चलती है। स्टीफेंस चर्च। ये चर्च 19वीं शताब्दी में बना हुआ नीलगिरी के प्राचीन चर्च में से एक है। यहाँ आप हमारे देश की प्राचीन कला को देख सकते हैं। डियर पार्क। ऊटी में स्थित ये पार्क भारत के प्रमुख चिड़ियाघर में से एक है। यहाँ पर्यटक हिरणों की विभिन्न प्रजातियों के साथ कई अन्य जानवरों और पक्षियों को भी देख सकते हैं। नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हिमरेखा में नहीं आती, लेकिन गर्मियों में यहाँ का तापमान दिन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता और रात में 10 डिग्री तक गिर जाता है, जिसका अंदाज बाहर के पर्यटकों को नहीं होता, क्योंकि वो मानकर चलते हैं कि दक्षिण भारत का पहाड़ी सैरगाह होने की वजह से यहाँ भी गर्मी होगी, जिसे चलते यहाँ आने के बाद ज्यादातर पर्यटकों को गर्म कपड़े खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर अगर बारिश हो जाए तो तापमान और भी नीचे आ जाता है। कालहट्टी वाटरफॉल्स। कालहट्टी के ढलानों पर खूबसूरत रमणीक कालहट्टी जलप्रपात लगभग 100 फुट ऊंचा है, जो शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। कालहट्टी जलप्रपात ऊटी का एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यहाँ अनेक प्रकार के पर्वतीय पक्षी भी देखे जा सकते हैं। झरने के अलावा कालहट्टी मसीनागुड़ी की ढलानों पर जानवरों की अनेक प्रजातियाँ भी देखी जा सकती हैं, जिसमें चीते, सांभर और जंगली भैंसा शामिल हैं। ये भी कमाल की जगह है।
ऊटी पहुंचने का तरीका। अगर आप ऊटी जाना चाहते हैं तो आप सड़क, रेल या हवाई किसी भी मार्ग को आसानी से चुन सकते हैं। वैसे ऊटी जाने के लिए अगर आप हवाई मार्ग का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको कोयम्बटूर में मौजूद हवाई अड्डे का उपयोग करना होगा। यहां से आगे आप सड़क मार्ग से आसानी से जा सकते हैं। कोयम्बटूर में मुख्य रेलवे जंक्शन है जहां से ऊटी के लिए छोटी लाइन में टॉय ट्रेन चलती है। यहां की टॉय ट्रेन का लुत्फ उठाना दर्शनार्थियों के लिए एक अलग अनुभव है जो बच्चों, बड़ों, सभी को आकर्षित करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा हिली स्टेशन है जहां पर कि आपको जरूर एक बार जाना चाहिए क्योंकि ये हद से ज्यादा सुंदर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं।